इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती है। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती हैं। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये।
किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्वग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है, बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका अनुभव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती हैं, तब वे भी अधिक बलवान होती हैं। अर्थात जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके सुख का मार्ग
बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में, उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, वैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो ये है कि विद्या प्राप्त ना कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिष्य उस कार्य को पूरा कर दे, गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाए। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप ना देख ले, तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते।
मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना? किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं।
किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना, किंतु समय का स्वामी कौन? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या ये सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उससे विपरीत कार्य करता है। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख।
जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है, स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए, व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है, प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा, कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता, भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या
हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना
क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है, और परिणाम कुछ
इस प्रकार। हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकश्यपु की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार की। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख। किसी को धर्म संकट कहते हैं, जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही दुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है।
सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते, हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता, सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें, सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार की। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है, और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
महाभारत का ये युद्ध, महाभारत की ये कथा अनेक सत्यों को प्रस्थापित करती है। महानतम सत्य ये कि अलगपन और भिन्नता ही अधर्म का मूल है और एकात्मता ही धर्म का आधार। कैसे? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का हृदय सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की इच्छाओं से घिरा रहता है सदा, किंतु सामान्य रूप से मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई बहन या पत्नी के साथ उचित व्यवहार ही करता है, कोई अन्याय नहीं करता। वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बांटकर भोगता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसके सुख का आधार है उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य ये भी जानता है कि उसका सुख समाज से आता है, किंतु उस समाज के साथ अन्याय कर लेता है, समाज का शोषण कर लेता है, क्योंकि वो समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता, समाज को अपने सुख का साधन मानता है। खेत है तो कारण और साधन। इस सच्चे को जब भी बोध हो जाता है सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने। ये सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार है, तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता। सारे संघर्ष, सारा वैर, सारा प्रतिशोध नष्ट हो जाता है। अंतर में परमात्मा और संसार में एकात्मता, यही धर्म का मूल सिद्धांत है। महाभारत की ये यात्रा क्रोध से बोध की यात्रा है, भिन्नता से एकात्मता की यात्रा है। भूमि पर वास करने वाली प्रजा जब तक महाभारत की कथा को अपने स्मरणों में जीवित रखेगी, तब तक ऐसा विध्वंस पुनः नहीं होगा। कोई भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्र हरण नहीं कर पाएगी। इस यात्रा में मेरे साथ प्रवास करने वालों को मैं अभिनंदन देता, उनके हृदय में धर्म का बीज कल्याण, संसार का कल्याण। ओम सहनाभवतु। ईश्वर हमारा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु। हम सब मिलकर सुख भोगे। सहवीर्यं करवावहि। एक दूसरे की लाख प्रयास करें। तेजस्विनावधितमस्तु। हम सबका जीवन तेज से भर जाए। माविद विषावहि। परस्पर कोई द्वेष या ईर्ष्या ना हो। ओम शांति शांति शांति।